मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे एक यात्री की कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही कार आग के गोले में तब्दील हो गई। जानकारी के मुताबिक कार में एक ही परिवार के चार लोग बैठे हुए थे। लोगों ने इस घटना की जानकारी संबंधित थाना पुलिस को दी, जिस पर थाना प्रभारी ओम सिंह चुंडावत मौके पर पहुंचे और इस घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक सागवाड़ा के डूंगरपुर के रहने वाले प्रेम पाटीदार अपने पिता, पत्नी और पुत्र के साथ कोटा गए थे, जहां से लौटने के दौरान उन्होंने सांवरिया जी के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद वे अपने गांव के लिए रवाना हो गए। इस बीच रास्ते में स्थित एक कॉलेज के पास पहुंचते ही अचानक उनकी कार की हेडलाइट बंद हो गई, जिस पर प्रेम कुमार ने अपने बेटे को कार का बोनट खोलकर देखने को कहा तो इंजन से धुएं के साथ आग लगती देख वे घबरा के चिल्लाने लगे, जिसके बाद तुरंत कार में सवार लोग बाहर निकल गए और कार को छोड़कर उससे दूर चले गए। लेकिन वे कुछ कर पाते उससे पहले ही उनकी आंखों के सामने कार आग के गोले में तब्दील हो गई। इसकी सूचना मिलने पर मंदिर मंडल की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन कार पूरी तरह जल चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने करें की मदद से कार को रास्ते से हटवाया और मार्ग को पुनः सुचारू किया।